हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आंवले का मुरब्बा बनाना आपको बताऊंगी। मैंने 1 किलो आंवले को कद्दूकस कर लिया है, कद्दूकस करके और फिर मैंने 1 किलो इसमें गुड़ डालूंगी। 1 किलो गुड़ से थोड़ा बहुत कम, मतलब एक ये भी 1 किलो आंवला है जिसमें थोड़ी गुठलियाँ निकल गई हैं, और ये भी 1 किलो गुड़ है, और थोड़ा सा सौंफ डालूँगी। ये सौंफ डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा ये दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी डालूँगी, और 1 चम्मच काला नमक डालूँगी इसमें। चलिए मैं आपको इसको स्टार्ट करती हूँ। गुड़ डालूंगी, और इसको थोड़ा मैल करने के लिए इसमें मैं 4-5 5-6 मैं पानी डालूंगी। अब मैं इसको मेल करके दोस्तों मैंने इसमें 4-5 चम्मच इसमें पानी डाला है। अब इसको मैं मैल कर लूँ, मैल करके फिर मैं उसके आंवले का कद्दूकस करा हुआ आंवला डालूँगी। मैंने इसको कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस करा हुआ आंवला डालूँगी। ये कद्दूकस कर लिया, तो सो मेरा गुड़ मेल्ट हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें ये आंवले का कद्दूकस करा हुआ डालूँगी, कद्दूकस करा हुआ आंवले को डालूँगी। धीरे धीरे करके इसको मिलाऊंगा,
आंवला मैंने डाल दिया है इसमें, अब इसको मैं मिलाऊंगी। अब इसको मैं पकाऊंगी दोस्तों, इसको कम से कम 20 मिनट तक मैं पकाऊंगी, 15 या 20 मिनट तक, तो ये अच्छे से गाढ़ा नहीं होगा। दोस्तों मैं इसमें 1 स्पून काला नमक डालूंगी। और 1 स्पून सफेद नमक डालूंगी। इसका थोड़ा कसीला होता है, कस वो थोड़ा दूर करने के लिए मैंने ये नमक डाला इसमें, और 1 नींबू का रस, 1 नींबू का रस डालूंगी। एक इसमें मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया। तो थोड़ा सा मैं गुड़ में और ऐड करूँगी, मुझे गुड़ थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर दूँगी। अगर आपको कम कम लगे तो आप गुड़ थोड़ा ऐड और कर सकते हैं। तो
थोड़ा सा इसमें मैं एक चम्मच छोटा एक चम्मच थोड़ा सा एक चम्मच सौंफ डालूँ, थोड़ी सी दालचीनी और एक चम्मच छोटी इलायची पाउडर दोस्तों। इसको पकने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है क्योंकि आंवला पानी छोड़ता है। और मैंने इसमें क्या क्या डाला है एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। एक चम्मच सौंफ डाली है, एक चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है और एक चम्मच मैंने काला नमक डाला है और एक चम्मच वाइट नमक और थोड़ी सी दालचीनी दो तीन टुकड़े से दालचीनी का डाले और एक किलो से ऊपर गुड़ डाला है। आंवले को पहले धो के कद्दूकस धो के साफ करके उसको तो कद्दूकस किया है, फिर मैंने गुड़ को मेल किया है। गुड़ मेल करने के बाद फिर मैंने इसको आंवले को डाला है एक किलो आंवला, फिर इसमें सारी सामग्री जो डाली इसको दोस्तों देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा हो गया, बन गया, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। चाहे तो इसमें आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम वगैरह बादाम छोटे पीस करके इसमें बादाम डाल सकते हैं। दोस्तों इसको 25 से 30 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा वेट करते हैं।